नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए H.H. मुनरो साकी इनका लिखा हुआ फेमस वन एक्ट प्ले द डेथ ट्रैप की समरी हिंदी में लेके आया हूँ। आई होप ये आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं द डेथ ट्रैप। द डेथ ट्रैप स्टोरी है प्रिंस दमित्री की। प्रिंस दमित्री जो हैं वो केदारिया के प्रिंस हैं, और ये जो सारी स्टोरी, ये जो सारा प्ले वन एक्ट प्ले है, ये केदारिया के जो अभी राजा हैं प्रिंस दमित्री, उनके चारों तरफ घूमती है। एक षड्यंत्र किया जा रहा है इनके दुश्मन प्रिंस कार्ल द्वारा, ताकि वो प्रिंस दमित्री को मार सकें और वो खुद केदारिया के राजा बन सकें। प्रिंस दमित्री के परिवार की प्रिंस काल के परिवार से खानदानी दुश्मनी चलती आ रही है, जिसके कारण वो इनको मारकर केदारिया के राजा बनना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने कुछ हथियारे भी तैनात कर रखे हैं, और वो हथियारे एक सही मौके की तलाश में हैं कि कब वो सही मौका आए और हम प्रिंस दमित्री को मार सकें। दमित्री क्योंकि अभी राजा हैं, इनकी सुरक्षा के अंदर 3 रेजिमेंट तैनात हैं, जिनके नाम है एंड्रिफ रेजिमेंट, लोनियाडी रेजिमेंट और क्रिटजी रेजिमेंट। ये जो 3 रेजिमेंट जो हैं, इनमें से ये 2 एंड्रिफ और लोनियाडी रेजिमेंट जो हैं, ये तो इनकी वफादार हैं, और ये जो क्रिटजी रेजिमेंट हैं ये प्रिंस कार्ल की वफादार हैं। इनके एक वफादार और है जिनका नाम है डॉक्टर स्ट्रॉन्ड्स। ये एक फिजिशियन है जो कि प्रिंस दमित्री के बहुत वफादार हैं। अब ये जो क्रिंडजी रेजिमेंट है, ये दुश्मन कार्ल की वफादार है, और इसके 3 मेन ऑफिसर हैं जिनका नाम है कर्नल ग्रिटजा, मेजर वॉन्टिफ और कैप्टन शुल्ट्स। ये जो तीनों हैं, ये तीनों ने ही प्रिंस दमित्री को मारने के प्रण ले रखा है, क्योंकि उनको पता है जैसे ही एंड्रिफ रेजिमेंट, क्योंकि इनके क्या होता है कि 3 महीने मान लो इसकी ड्यूटी है, 3 महीने इसकी, 3 महीने इसकी ड्यूटी, ऐसे ड्यूटी चेंज होती रहती है। इनका प्लान होता है जैसे ही एंट्री रेजिमेंट यहाँ से जाएगी, हम प्रिंस दमित्री को मार देंगे। अब जब ये प्ले डेथ ट्रैप स्टार्ट होता है, तो ये जो तीनों गार्ड हैं, ये कैप्टन कर्नल ग्रिंडजा, मेजर वोल्टिफ और कैप्टन शुल्ट्स, ये तीनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि हम प्रिंस दमित्री को मार देंगे ताकि प्रिंस काल जो हैं वो राजा बन सकें। इन इनकी बातचीत से हमें ये भी पता चलता है कि ये सरेआम राजा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ये भी पता है कि प्रिंस दमित्री को हम पर शक हैं, पर वो फिर भी ये मर्डर करना चाहते हैं क्योंकि इनकी सपोर्ट प्रिंस काल कर रही हैं। इसके बाद में प्रिंस दमित्री और इनके डॉक्टर श्रोंडस जी के बीच में एक डिस्कशन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रिंस दमित्री बहुत ही छोटी उम्र में राजा बन गए थे, जिन्हें अभी गवर्नेंस की कोई रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता नहीं था। इसलिए ये भी हमें पता चलता है कि बड़े ये हेल्पलेसनेस हैं, बेबस हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। इन्हें ये पता है कि मैं अब एक जाल में फंस चुका हूँ और मेरे अपने गार्ड जो है वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा ही दुख होता है इनको ये जानकर। उन्हें ये भी अच्छी तरह से पता है कि जैसे ही एंड्रिफ रेजिमेंट यहाँ से जाएगी, वैसे ही वो मुझे मार दिया जाएगा। इनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई भी इन्हें मिलने नहीं आ सकता है, सिर्फ इनके जो पर्सनल फिजिशियन है जिनका नाम है डॉक्टर स्ट्रोनेट्स, ये इनको मिलने आ सकते हैं। अब वफादारी के कारण डॉक्टर साहब एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने सारे कपड़े उतारो ताकि मैं आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकूं, ताकि जो ये गद्दार क्रिंड रेजिमेंट वाले हैं वो ऑफिसर एक बार मूर्ख बन जाएं। इससे इतना होता है कि एक बार राजा का जो मर्डर का प्लान है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, पर इस डिले से राजा साहब जो हैं वो एक बदला लेने की सोचते हैं। जैसे ही वो राजा के कपड़े उतार कर राजा को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि प्रिंस दमित्री जो हैं
इनको तो एक बड़ी ही जबरदस्त दिल की बीमारी है, हार्ट डिजीज है, जो ठीक नहीं हो सकती है। अब दिमित्री साहब सोचते हैं कि मैं तो सुसाइड कर लूं, क्योंकि अगर मैं कोई भी राजा अपने अगर अपने गार्ड्स के अपने अंगरक्षकों से मारा जाए तो वो बड़ी बदनामी होती है। तो वो कहते हैं कि इससे बढ़िया तो मैं सुसाइड कर लूं। वो डॉक्टर साहब को कहते हैं कि आप मुझे एक बोतल जहर ला के दो ताकि मैं अपनी उस जहर को पीकर मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊंगा तो सुसाइड होगी, पर कम से कम को ये तो नहीं कहेगा कि ये कौन सा कैसा राजा था जिसे उसके अंगरक्षकों ने मार दिया। डॉक्टर साहब उसे एक बोतल जहर दे देते हैं, पर जब वो मरने वाले होते हैं तो दिमित्री साहब कहते हैं कि चलो इससे पहले मैं अपने दुश्मनों को सजा दे दूँ। वो क्या करते हैं, वो कि बोतल का जो जहर है उसे एक बोतल वाइन में मिक्स कर देते हैं, शराब में जहर मिला देते हैं और फिर इन सबको बुला कहते हैं चलो भाई आओ एक लास्ट ड्रिंक लेते हैं। पहले तो वो खुद ड्रिंक पीते हैं, इसके बाद इन सारों को पी लेते हैं। देख कर हमें बड़ा दुख होता है कि भाई राजा मरने से पहले खुद जहर पी रहे हैं, पर इसी समय वो एक बड़ा ज़बरदस्त बदला लेता है, क्योंकि वो बेबस होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। मरना तो उनको पहले वैसे ही है, क्योंकि इनकी जो है हार्ट की प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो सकती है, पर मरने से पहले वो अपने तीनों दुश्मनों को भी जहर दे के मार देते हैं। इस तरह ये जो प्ले है द डेथ ट्रैप, यानी कि मौत का जो जाल है, वो ये बताता है कि किस प्रकार प्रिंस दिमित्री और उनकी जो बेबसी है वो किरणित जी रेजिमेंट के ऑफिसर्स के लिए एक मौत का जाल, एक डेथ ट्रैप बन जाती है, क्योंकि वो उनके डिसलॉयल थे, उनके वफादार नहीं थे। जब डॉक्टर साहब प्रिंस को बताते हैं कि उनकी तो एक बड़ी बुरी दिल की बीमारी है, तभी दिमित्री कहते हैं मैं दवाई का यूज करूँगा। लास्ट टाइम में वो अपने दुश्मन को चकमा दे देते हैं कि वो उन्हें जहर मिली हुई वाइन पिला देते हैं, सभी के सभी लास्ट में मर जाते हैं। प्रिंस दिमित्री भी इस मौत के जाल से नहीं बच सकते थे, पर उन्होंने अपने जो हथियारे हैं उनके लिए भी एक ज़बरदस्त जाल बुन दिया। इस तरह ये जो टाइटल है द डेथ ट्रैप एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइटल है, बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइटल है। दिमित्री के अंदर वो हीरो की सारी क्वालिटी हैं, उसने अपनी किस्मत को का अपनी जो किस्मत को उसने स्वीकार कर लिया, जैसा वो डॉक्टर साहब को बताता है। कोई हथियार नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, वो अपने आप को बड़ी बहादुरी से बचाता है, अपने हथियारों को बड़ा बहादुरी से फेस करता है। एक यंग प्रैक्टिकल पर्सन है, वो जहर लेकर मरना नहीं चाहता है, वो कहता है कि मैं मरूंगा तो पर अपनी शर्तों पर मरूंगा। जब डॉक्टर उसे बताता है कि भाई तेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, तब वो जहर लेने को तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं डेथ का वेट नहीं कर सकता। हालांकि उसके अंदर कुछ कमियां हैं, पर वो बहुत ज़्यादा क्विक विटेड, तीव्र बुद्धि है। एक और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर को हार्ट की प्रॉब्लम का, दिमित्री के हार्ट की प्रॉब्लम का जैसे ही पता चलता है, जैसे ही वो उसके कपड़े खोलकर एग्जामिन करता है, उनकी जांच करता है, उसे पता चल जाता है कि इसकी तो हार्ट की प्रॉब्लम है। वही डॉक्टर जो है वो प्रिंस दिमित्री को जहर की बोतल ला के देता है, जिससे प्रिंस दिमित्री अपने दुश्मनों को मार पाते हैं। हालांकि प्रिंस दिमित्री मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वो जहर भरी हुई वाइन पी ली थी, लेकिन उनकी इच्छा पूरी हो जाती है कि उन्होंने अपने षड्यंत्रकारियों, अपने दुश्मनों को मार दिया। जो दवा प्रिंस दिमित्री को बचाती है वो दुश्मनों को मार देती है। इससे एक चीज़ और भी है कि वैसे तो प्रिंस दिमित्री मरते तो उनकी मौत बड़ी ही घातक होती, बड़ी ही दुखद होती, पर अभी जहर से वो बड़े आराम से मर जाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रोनेट्स जो हैं वो एक कंपैशनेट, लॉयल और फ्रेंडली हैं। ये जो प्ले है बड़े ही शानदार तरीके से लिखा गया है, और इसके अंदर वो सारी खासियत है जो अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में बताई थी। करेक्टर जो हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से सामने आते हैं। साकी ने इस प्ले का बेस डेथ को चुना है, मौत, मौत जिससे कोई बच नहीं सकता है। जब मौत का समय आता है तो वो आकर ही रहता है।
हमें पता ही नहीं चलता कि हम मौत को सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब हमें पता चलता है कि हमारी मौत आने वाली है, तब हम इससे बचने की पूरी कोशिश करते हैं, पर हमें पता है कि ये सारा बचना बेकार है। हम कभी भी नहीं समझ सकते जब तक वो हमारी मौत नहीं होती, या हमें ये फिलॉसफी कभी समझ ही नहीं आती कि मौत से कोई नहीं बच सकता। संक्षेप में कहें तो साकी एक ऐसे शानदार प्लेराइट हैं जिन्होंने अपने इस टेक्स्ट में मर्डर को इस तरीके से दिखाया है कि डेथ जो है सिर्फ वही अंत में बचती है। इससे हमारे सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठ जाते हैं और उसी तरह से उनके आंसर उठते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर आप कमेंट बॉक्स में किसी वीडियो के लिए लिखते हैं तो प्लीज़ साथ में उसके ऑथर का नाम ज़रूर लिखिए ताकि हमें ऑथर के नाम से प्रॉब्लम ना हो। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।